ओके, तो आज जो हम लोगों ने जेनरेटप्रेस थीम के अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंजेस करने जा रहे हैं, यानी जेनरेटप्रेस थीम के अंदर एक ऐसे सेटिंग करने जा रहे हैं जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट की एसईओ स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब, अगर आपने मेरे वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट curblogging.in को एक दो दिन से चेकआउट नहीं किया हो तो आप जाके चेकआउट करके अभी देख सकते हो कि उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा यानी मेजर चेंजेस किया गया है। और इसीलिए किया गया है क्योंकि अभी जो है कोर वाइटल या फिर पेज एक्सपीरियंस रिलेटेड बहुत सारे वेबसाइट को जो है उसकी रैंकिंग में जो है मतलब डाउनग्रेड देखने के लिए मिल रही है, तो उस हिसाब से मैंने उसको अभी से कस्टमाइजेशन कर लिया हूँ। और आप लोगों को भी इस कस्टमाइजेशन के साथ जाना चाहिए, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता ये जेनरेट, हाँ ये ऑब्वियसली जेनरेटप्रेस प्रीमियम के अंदर ये फीचर, आपको प्रीमियम कहां से मिलेगा, कैसे लेना है, साथ में अगर आप बिल्कुल नया वेबसाइट के अंदर इसको सेटिंग करना चाहते हो तब भी कैसे करेंगे, या फिर एग्जिस्टिंग वेबसाइट आपका चल रहा है जेनरेटप्रेस के अंदर उसके बाद इस सेटिंग को कैसे करेंगे, या फिर आप किसी दूसरे थीम को यूज करिए उसको छोड़ के इस सेटिंग को कैसे करेंगे, ये सारे के सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जिन सारे लोग मेरे को पहले से फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि मैंने जेनरेटप्रेस रिलेटेड एक वीडियो बनाया था और वहां पर मैंने जेनरेटप्रेस प्रीमियम आप लोगों को फ्री में दिया था और यह वादा किया था कि जैसे इसका अपडेट आएगा तो मैं उसका अपडेट वर्जन भी आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो यहां पर अपडेट वर्जन भी आपको मिल जाएगा और साथ में आपको कस्टमाइजेशन कैसे करना है और उसके बाद आप खुद जाके आपकी वेबसाइट की रैंक मतलब स्कोर को चेकआउट करके देख सकते हो कि स्पीड में कितना ज्यादा आपको जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिला। चलिए चलिए कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए, सारे के सारे फंक्शनलिटीज, सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारे के सारे एसईओ सेटिंग्स आपको पता लग जाएगा। सो जैसे कि मैंने बता रहा था कि अभी नॉर्मली जेनरेटप्रेस के ऊपर जो वेबसाइट होता है कुछ इस टाइप से, जैसे कि मैंने भी बनाया था curblogging को, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या है वो भी मैं बताऊंगा। और अभी फिलहाल मेरा curblogging.in किस टाइप ऑफ लुक दे रही है देख सकते हो कि इस टाइप ऑफ लुक दे रही है। अगर आपको भी बनाना है इस टाइप ऑफ वेबसाइट और इसमें फैसिलिटी क्या है, देखो आपको शायद लग सकती है कि ये क्या इतना सही है, ये चीज़ें बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें आप देख रही हो ना, ये जब लोड होता है किसी ब्राउज़र पे, जब रेंडर होता है ना, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड लोड होकर रेंडर हो जाता है, क्योंकि उसमें कि हमारा जो मोबाइल का जो अभी कोर वेब वाइटल का जो सीरीज मतलब जो सेशन चल रहा है या फिर सीजन चल रही है गूगल के पास, उसके बिहाफ पे आपको अगर आपको परफॉर्मेंस करवाना है अच्छी तरीके से आपकी वेबसाइट को, तो आपको इस टाइप ऑफ सजावट करना है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो थंबनेल इमेजेस भी छोटा है और सारा कुछ छोटा छोटा है। अगर आप इस प्रकार से होम पेज को रखते हो ना, तो उसमें क्या है कि इमेजेस को रेंडर होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है किसी भी ब्राउज़र, उस टाइम जो आपकी कोर वेब वाइटल की स्कोर जो है कम हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली कहा जाए तो मतलब कुल मिला के बात करते तो कि इससे कि आपका एसईओ में अभी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। और साथ में जेनरेटप्रेस की जो प्रीमियम वर्जन आई है वो भी मैं देने वाला हूं, वो तो मैंने पहले ही बता चुका हूं, राइट। सो यहां पे देखो कुछ इस टाइप ऑफ मेरा लुक था, अभी मैंने चेंज करके ये कर दिया हूं और उसको आप जीटी मैट्रिक्स पे चेक करके देख सकते हो कि अभी जो 90% प्लस जो है मेरा यहां पे स्कोर क्रिएट करी है curblogging.in, राइट। सो आपको कैसे करना है ये चीज़ें, देखिए चलते ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग करेंगे प्लगइन एरिया में जाएंगे और इंस्टॉलर प्लगइन एरिया में जाएंगे और यहाँ पे जीबी प्रीमियम की जो है शायद आपको भी मेरे साथ साथ जिन लोगों ने बनाए थे शायद उन लोग भी जो यहाँ पे अपडेट मांग रहे हैं और अपडेट यहाँ पे की नहीं है, इस वजह से आप जो ऑटो अपडेट नहीं कर सकते, यहीं से अपडेट नहीं कर सकते। तो इन केस हम करेंगे क्या, यहाँ पे ऐड न्यू सेक्शन के अंदर जाएंगे और अभी लेटेस्ट जो जीबी प्रीमियम का प्लगइन है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप की पिन एरिया में पिन किया हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ सीधा आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम अपलोड प्लगइन सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे चूज फाइल सेक्शन के अंदर जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे देखो जैसे चूज फाइल सेक्शन के अंदर आएंगे, ये था मेरा पुराना जो जीबी प्रीमियम वो था, ठीक है। अभी हम जो है नया जीबी प्रीमियम को लेंगे तो ये देखो जीबी प्रीमियम की नया वर्सन V2.0.3, ओके, इसको सिलेक्ट करना है और इसको ओपन कर देना है, ओके। अब आप कहेंगे कि भाई मेरे तो पहले से इंस्टॉल है, अब रुको यार वीडियो को देखो कैसे आपको उसको रिप्लेस करना है और उसके बिहाफ पे इसको काम में लेना है, वो आपको पता लग जाएगा। हम यहाँ पे डाले और उसके बाद इंस्टॉल नाउ बटन के अंदर क्लिक किया। अब जैसे हमने इसके इंस्टॉल नाउ बटन के अंदर क्लिक किया, ये अनपैकिंग होगा। मैं अगेन कह रहा हूं कि जैसे आप डाउनलोड करेंगे मेरे टेलीग्राम से, आपको अनजिप करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज जैसे डाउनलोड करेंगे ऐसे आपको यहां पे अपलोड कर देना है। अब जैसे हम लोगों ने पहले दफा जीबी प्रीमियम 2.0.2 को यूज कर रहे थे और अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है 2.0.3, तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। यहां पे देखो रिप्लेस करंट विद अपलोडेड, ओके। सो इसके अंदर आपको क्लिक कर देना है तो आपका पुराना जो था वो हट जाएगा और नया जो है वो काम करना शुरू कर देगा, ओके। अब आप देखेंगे प्लगइन सेक्शन एरिया में कि ये चीज़ जो अपडेट मांग रहा था वो भी आपको जो अपडेट नहीं दिखाएगा, ओके। सो यहाँ पे देखो सारा का सारा काम हो चुका है, हम चलेंगे अगेन प्लगइन एरिया में, मतलब यहाँ पे हमारा सारा का सारा काम हो चुका है, ओके। सो हम अगेन प्लगइन एरिया में क्लिक करते हैं और आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो अभी जीबी प्रीमियम का अपडेट नहीं मांग रहा है, ओके। सो देख लिया आपने कि जीबी प्रीमियम 2.0.3 का लेटेस्ट वर्जन जो है अभी आपको दिख रही है। सो ये भी इसका भी एक जो मैं कंप्लीटली क्या कहते हैं कि कंप्लीटली प्लेलिस्ट बना के दूंगा, जैसे जैसे जीबी मतलब जेनरेटप्रेस के अपडेट आता रहेगा मैं आपको इस प्रकार से वीडियो बना के दे दूंगा और उसका जो एक्सटर्नल
फीचर आएगा उसके बारे में डिटेल बता दूंगा। ओके सो इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाना और उस प्लेलिस्ट को जो है आप चाहे तो आपके बुकमार्क में लगाओ, कहीं पे भी जो आप उसको सेव करके रखो। ओके सो जीपी प्रीमियम यहाँ पे आ चुका है, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगर बटन के अंदर क्लिक करेंगे। आप देखो यहाँ पे दो बार कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी चीज़ें था हमारा ये सारे का सारा अभी देखो एक्टिवेटेड है, मतलब कि हम लोगों ने पहले दफा इसको एक्टिवेट करके रखे थे। और जो लोग नया यूज़ करेंगे उसको कैसे करना है वीडियो की एंड में आपको पता लग जाएगा, तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच करते रहना। सो अब आपको करना क्या है, यहाँ से सीधा जो हमारा एग्जिस्टिंग साइट, यहाँ पे एग्जिस्टिंग साइट में आपको अगेन दिखा देता हूँ कि यहाँ पे व्यू साइट करके कि मेरा यहाँ पे एग्जिस्टिंग साइट जो है ठीक है। तो जो लोग बिल्कुल नया साइट बनाएंगे उसका भी क्या कॉन्फ़िगरेशन है वीडियो के एंड में, मतलब उसका भी एक पार्ट है, तो वीडियो के साथ कंप्लीट चिपक के बने रहना, दोनों तरफ से आपको समझने के लिए मिल जाएगा। ओके सो बैक चलते हैं। सो यहाँ पे देखो सारे के सारे चीज़ें मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम करेंगे कि यहाँ पे साइट लाइब्रेरी के अंदर क्लिक करेंगे। ओके ध्यान रखना ये साइट लाइब्रेरी के अंदर आना है और यहाँ पे है आपका मार्केटर। ये मार्केटर बहुत ही अच्छा है, एकदम बहुत ही, बहुत से लोग इसको यूज़ करिए। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ध्यान से देखना क्या कहाँ 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 पे आपको सिलेक्ट करना है, कहाँ कहाँ पे आपको टिक करना है, तब आप जो है काम कर पाएंगे। ओके सो यहाँ पे गेट स्टार्टेड बटन के अंदर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन लेने की ये काम जो है ये प्रक्रिया चल रही है इसके अंदर, इसको कंप्लीट होने दीजिए और उसके बाद हम लोग इस प्रकार से फिल लुक एंड फिल करेंगे हमारे वेबसाइट के अंदर। और यहाँ पे देखो दो चीज़ है, इम्पोर्ट इम्पोर्ट थीम ऑप्शन, इम्पोर्ट डेमो कंटेंट। तो ये जो इम्पोर्ट डेमो कंटेंट है इसको ऑफ कर देना अगर आपके पास ऑलरेडी, मतलब आपके पास एग्जिस्टिंग वेबसाइट के अंदर जो है ब्लॉग पोस्ट वगैरह पब्लिश किया हुआ है, तो आप इस केस में डेमो कंटेंट को इम्पोर्ट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेमो कंटेंट मेरा जो ऑलरेडी है इसके, मतलब इसको अगर आप टीक लगा के रखेंगे ना तो होगा क्या कि आपके कंटेंट के साथ साथ ये वाले कंटेंट भी आपके जो एरिया में आ जाएगा और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। तो ठीक है, तो इस हिसाब से ये कंटेंट हमको नहीं चाहिए, सिर्फ थीम हमको चाहिए। तो ये इसको जो आप जो ऑफ कर दीजिए और उसके बाद जो आई अंडरस्टैंड बटन के अंदर आपको क्लिक करना है और उसके बाद बीइंग इंपोर्ट बटन के अंदर आपको क्लिक कर देना। आप जैसे क्लिक कर देंगे आप देखो मैजिक कि आपका साइट पहले जिस टाइप ऑफ दिख रहा था वो अभी चेंज होकर मेरे ऑफिशियल वेबसाइट क्रब लॉगिन की तरह दिखने लगेगा। देखो अब यहाँ से हम बैक चलते हैं और उसके बाद वहीं पे बता रहा था विजिट साइट, तो विजिट साइट करके आप देख सकते हो, या फिर हम यहाँ से जो विजिट साइट करके देख लेते हैं 1 2 3 राइट। सो देखो यहाँ पे कितना चेंजेस आपको देखने के लिए मिला और कितना अच्छा लग रहा है, चीज़ें एकदम बढ़िया से खुल के आया है। अब इसके अंदर जैसे आपने ये मार्केटर को इंपोर्ट करेंगे तो कुछ सेटिंग के जो है आपका चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे देखो कॉपीराइट जो आपको बिल्ड विद जेनरेट प्रेस अगेन दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो इसको आपको हटाना है, कैसे हटाना है वो भी मैं बता रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें आपको करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो कंप्लीटली बने रहना, आपका ये चीज़ें इतने अच्छे से ओपन हो चुका है, राइट साइड में आपको इतने अच्छे से चीज़ें दिख रही है। ओके सो अगर आप कहेंगे कि मेरी तरह इस प्रकार से राइट साइड बनाएंगे तो उसके ऊपर मैं अलग दिन एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आपके राइट साइड कुछ इस टाइप ऑफ दिख रही है। ओके सो चलिए राइट साइड का उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग मोबाइल पे प्ले करवाएंगे, मतलब अधिकतर लोग मोबाइल से अभी ब्राउज कर रहे हैं वेबसाइट्स को, तो मोबाइल वर्जन के हिसाब से हम लोग को बनाना है। अब हम चलेंगे यहाँ से बैक और कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे और उससे पहले एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट यहाँ पे हम क्या करेंगे इस पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर अपीयरेंस के अंदर आना है और यहाँ पे आपको करना क्या है मैं अगेन बताता हूँ कि आपको अपीयरेंस के अंदर आना है और यहाँ पे जो जेनरेट प्रेस दिख रही हो इसके अंदर आपको आना है। ठीक है, अब जैसे आएंगे यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस जो आपका डीएक्टिवेटेड है इसको आपको एक्टिवेट करना है, तो आपको करना क्या है जहाँ जहाँ पे डीएक्टिवेटेड है इसको आपको इस प्रकार से टिक लगाना है और उसके बाद यहाँ पे इसको जो टिक लगा देना है। तो ये सॉरी यार मैंने गलती कर दिया, ओके तो ये तो मेरा पहले से एक्टिवेट है तो ये डीएक्टिवेट बता रही है, तो इसको आपको अनटिक करो यार। ये देखो सेकेंडरी नेविगेशन एलिमेंट्स एंड डिसेबल एलिमेंट्स एलिमेंट डिसेबल एलिमेंट कॉपीराइट एंड ये बैकग्राउंड। ठीक है, इन सारे जगह को आपको जो टिक लगाना है और उसके बाद क्या करना है आपको बल्क एक्शन एरिया में जाना है, इसको एक्टिवेट कर देना है, उसके बाद इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, आप जैसे इसको अप्लाई कर देंगे उसके बाद आप सारे के सारे चीज़ें सारे के सारे फंक्शनलिटीज को अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। तो हम करेंगे कि यहाँ से जो है कस्टमाइजेशन एरिया के अंदर आएंगे। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने कस्टमाइजेशन एरिया के अंदर आते हैं और सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि फुटर को हम लोगों को रिमूव कर देना है। ओके सो फुटर रिमूव करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि फुटर रिमूव करने के लिए आपको एकदम नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखो ये पेन का आइकन बना हुआ है इसके अंदर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से बिल्ड विद जेनरेट प्रेस को आप हटा के कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपको मैं सिर्फ इसी चीज़ को अभी लिखा हूँ तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपीराइट ये बॉक्स में आप जो भी लिखेंगे वो चीज़ें यहाँ पे जो है शो होने लगेगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद आप जो भी ABCDXYZ जो भी आप लिखते हो सारे के सारे चीज़ें शो होगा, तो इस हिसाब से आप अपने एरिया को फिल कर लीजिए कॉपीराइट एरिया में आप क्या लगाना चाहते हो। बाकी फिलहाल देखो बिल्ड विद जेनरेट प्रेस जो दिखाई दे रहा था वो अभी आप दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैंने इसको पब्लिश कर दी। अब जो मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि देखो
यहाँ से बैक चलते हैं और यहाँ से जो एक मिनट बैक चलते हैं, ठीक है। एक बार हम सेटिंग एरिया को चेक करेंगे। सेटिंग एरिया में जो हमारा मेन काम है उसको आपको करना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किए हो तो इसको चेक कर लेना। यहाँ पे सेटिंग के अंदर आप कर्सर लाओ और यहाँ पे मीडिया के सेक्शन के अंदर आप कर्सर लाओ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो सारे के सारे जो थंबनेल साइज है, मीडियम साइज है, लार्ज साइज है, इसको सारे के सारे जो आपको जीरो करके जो शेप चेंजेस कर देना है, ठीक है। तभी आपका काम करेगा ये चीज़ें, नहीं तो नहीं करेगा। और उसके बाद हम करेंगे क्या, अगेन अपीयरेंस के अंदर आएंगे और यहाँ पे कस्टमाइजेशन एरिया के अंदर आएंगे। और उसके बाद देखो थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रही है, जितना टाइम ले रही है लोड होने में उससे बहुत ज़्यादा तेज़ फास्ट फॉरवर्ड मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो इस हिसाब से थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिले करना पड़ेगा। उसके बाद अभी आता है मेन बात कि यहाँ पे ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है, इस थंबनेल साइज को हमको और भी छोटा करना है। कैसे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेआउट सेक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन के अंदर आएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें दिखा रही है कि डेट एंड किसने पब्लिश करी है, इस चीज़ को अगर रखना चाहते हो तो रखो, नहीं तो मैं जो कंप्लीट सेटअप किया था उस टाइम मैंने बताया था, इस बॉक्स को अनचेक करेंगे तो ये चीज़ें हाइड हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे कंटेंट टाइम भी आपको जो एक्सपर्ट एक्सर्फ्टी रखना है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पे हम करेंगे क्या, अभी आर्काइव्स के अंदर ये जो अलाइनमेंट देख रही हो लेफ्ट में है, मतलब ये जो अलाइनमेंट डिस्प्ले फीचर इमेज का जो अलाइनमेंट है ये लेफ्ट में है, ठीक है। सो इसका जो हाइट है यहाँ पे 320 बताया जा रही है, इसको आपको थोड़ा सा इस हाइट को आपको चेंजेस करना है, ये जो सॉरी उस विड्थ को चेंजेस करना है, इस हाइट को चेंजेस नहीं करना है, इस विड्थ को आपको करना क्या है 150, राइट। इस विड्थ को आपको करना है सिर्फ 150। आप देखो 150 जैसे करते हो तो कुछ इस टाइप ऑफ लुक एंड फील आपको देता है। और यहाँ पे ये जो रेड मोड बटन आया है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है मतलब इसको डैश मिल गया, जगह मिल गया, तो इस हिसाब से यहाँ पे रेड मोड बटन आ चुका है, बट ये ऑब्वियसली जो आपका यहीं पे शो होगा, ठीक है। सो ये छोटा हो जाएगा चीज़ें और उसके बाद आप इसको पब्लिश कीजिए। और बाकी का जो सेटिंग है मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, मतलब जेनेट प्रेस की कंप्लीट सेटिंग मैं उसका भी वीडियो की जो पूरा लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे दे दूंगा, आप इसको आराम से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग जो कि आप अभी इस साइट को एक बार विजिट करके देखो। एक मिनट में आपको बताता हूँ कि इस साइट को एक बार जो आप विजिट करके देखो। और ये जो साइट है मेरा जैम फोल्डर में, लोकल होस्ट में है, तो आप ऑब्वियसली इस URL को फॉलो मत कीजिए क्योंकि इस URL से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे देखो IPL 2021 और टीम वाइज सारे के सारे जो छोटा छोटा में दिखने लगा है, तो ये चीज़ जब लोड होगा किसी मोबाइल पर जब लोड होता है ना, तो मैं एक बार इंस्पेक्ट करके भी आपको दिखाता हूँ, कि जब मोबाइल पर लोड होगा चीज़ें, सो मोबाइल पर ना सिर्फ ये चीज़ें लोड होगा, साइड बार जो है नीचे आता है, मोबाइल का नीचे जो साइड बार आता है, तो ये चीज़ें जब लोड होता है ना, तो उस टाइम जो है हमारा ब्राउजर सबसे ज़्यादा लोड होने में टाइम लेता है, यानी LCP स्कोर क्रिएट करता है हमारे इमेजेस को रेंडर करने में, ठीक है। तो इमेजेस को रेंडर करने में ज़्यादा टाइम लगाता है, तो इस हिसाब से इमेजेस को हम थंबनेल इमेजेस को जितना छोटा रखेंगे उतना ही जो लोड होना बहुत अच्छी तरीके से लोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका वेबसाइट रैंक भी करेगा, आपकी वेबसाइट की स्पीड भी मेंटेन रहेगा और सारा कुछ होने वाला है। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपको यही चीज़ें करना है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया हूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, इनकेस अगर आप चाहते हो कि आपने जो है आपकी इस मतलब इस जो आपने चेंज कर दी यहाँ पे, ये जो आपने मार्केटर को इंपोर्ट कर ली और चेंज कर दी, तो उस केस में आपका अपीयरेंस के अंदर आना है, थीम एडिटर के अंदर आना है। जबकि मैं लास्ट वीडियो में आपसे शेयर करी थी कि अगर आपने OFP इमेजेस को ऐड करना चाहते हो तो उस केस में OFP इमेजेस को आप यहाँ पे आई अंडरस्टैंड के अंदर क्लिक कीजिए। आपको क्या करना होगा, OFP इमेजेस को ऐड करने के लिए आपको कुछ कोड लगता है, ये कोड आपको थीम फंक्शन के अंदर लाना है। और थीम फंक्शन के अंदर मतलब यहाँ पे जो कोड एडिटर के अंदर आपको आना है, थीम एडिटर के अंदर, और यहाँ पे थीम फंक्शन एरिया में आपको आना है और नीचे कोड आपको पेस्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कोड जो अभी मिसिंग हो गया क्योंकि हम लोगों ने थीम को चेंज कर दी, तो उस कोड को हम लोगों को उठाना है अगेन। तो हमको आपको करना है कि यहाँ पे कर्व ब्लॉगिंग के अंदर, मेरे कर्व ब्लॉगिंग के अंदर आपको आना है और उसके बाद यहाँ पे देखो एक SEO का सेक्शन है, SEO के अंदर आपको जाना है। और उसके बाद आपको करना है कि यहाँ पे देखो एक पोस्ट है जिस पोस्ट का नाम है पेज एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ पे आपको जो रिमोट बटन के अंदर क्लिक करना है, कोड में दे रहा हूँ आपको, ये कोड आपको लेना है, ज़रूरी है, ये कोड आपको कहीं नहीं मिलेगा, ओके। सो थोड़ा सा नीचे आना है, एकदम नीचे आ जाना और यहाँ पे आपको कोड दिखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आओ भाई, पोस्ट बहुत ही लंबा है, तो ये देखो कोड यहाँ से लेके यहाँ तक कोड है, इसको कॉपी करके उठाना है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप यहाँ से कॉपी मत कीजिए ताकि अच्छी तरीके से वहाँ पे आप सजा नहीं पाएंगे अगर आप प्रो एडिटर नहीं हो तो। तो उस केस में आपको जो यहाँ पे मेन कोड एरिया में आपको क्लिक करना है और ये कोड जो बनाया है वो है हमारा भरत भाई, जो कि BMTechTube नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है, तो उनका कोड हम यूज़ करते हैं और ये कोड बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो आपको ये रॉ पेस्ट डाटा जो दिख रही है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपको कॉपी करना है। एक मिनट में बता रहा हूँ कि भाई ओके, तो यहाँ पे ऐप आ चुका है, इसको यहाँ से Ctrl+C, एक मिनट हम क्या करते हैं इसको जो एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सो रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको
ये कोड को आपको कॉपी करना है, ठीक है। इस कोड को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है थीम एडिटर के अंदर, और यहाँ पे जो 104 का लाइन क्रिएट हुआ है, अगर आप चाहे तो एक्स्ट्रा लाइन में क्रिएट करके आप यहाँ से इसको सिर्फ जो है पेस्ट कर दीजिए, ओके। सो पेस्ट कर दीजिए, आप चाहे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन भी क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो अपडेट फाइल कीजिए, ठीक है। अब जैसे अपडेट फाइल करेंगे, अब आप देखो यहाँ पे जैसे अपडेट फाइल करते हो तो फाइल एडिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आप मेरे यहाँ से सीधा कोड को कॉपी करके रखोगे ना तो ये फाइल एडिट सक्सेसफुली आपको नहीं दिखाएगा, यहाँ पे आपको सब सब साइड में लाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए आप जो मेन कोड को कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। बाय द वे आपको कोड लेने की जरूरत है और मेरे को देने का जरूरत है, ठीक है। सो और भी एक कोड लगता है, वो कोड क्यों लगता है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट चलता है इस साइट के अंदर, एक बार विजिट साइट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कोड क्यों लगता है। तो यहाँ पे जैसे आप आते हो ना, तो यहाँ पे जो रिमोट बटन का दिख रही है इसके अंदर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपको ये टैग एक्स्ट्रा टैग देखने के लिए मिल जाएगा, #more102, ठीक है। तो ये भी मैंने लास्ट वीडियो में कवर करी थी, बट जैसे आपने इंपोर्टर को लेते हो, मतलब यहाँ पे जैसे आपने एक्स्ट्रा थीम मार्केटर थीम को इंपोर्ट कर लेते हो, तो जो थीम के अंदर हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट कोड अटैच करी थी वो कोड हट जाता है। तो एक्सटर्नल अगेन जो हम लोग को कोड को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब कोड क्या है, कौन सा कोड आपको ऐड करना पड़ेगा, तब भी आपका जो ये more102 का इशू नहीं आएगा। अगर ये आपको दिखाई देता है ना, तो आपको दोनों केस में आपका जो कॉपी मतलब कॉपी कंटेंट का इशू देखने के लिए मिल सकता है। कैसे, जैसे लोगों ने पूरा जो जितने सारे आपका आर्टिकल है उसको रीड करने के लिए रिमोट बटन के अंदर क्लिक करके आता है, तो यहाँ पे एक अलग यूआरएल बनता है, और साथ में जैसे लोगों ने यहाँ पे बैक कर जाता है ना, तो यहाँ पे देखो इसका एक अलग यूआरएल बन जाएगा, मतलब कि डबल यूआरएल की इशू क्रिएट हो सकता है। और भी एक चीज़ यहाँ पे, जैसे मैंने रिमोट बटन के अंदर क्लिक करा तो यहाँ पे एक चीज़ और भी देखो, अगर मान लीजिए कि आपका ये पोस्ट रैंक कर गया और उस टाइम लोगों ने क्लिक करा तो उनके सामने भी जो है आपका पेज ओपन होने में लोड होने में टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पे थंबनेल इमेज जो है दिखाई दे रही है, और यहाँ पे भी एक इमेज सेम इमेज दिखाई दे रही है, क्योंकि इसी को हम लोगों ने फीचर इमेज बनाया था। तो इस हिसाब से ये इमेज यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो इस हिसाब से हम करेंगे क्या, इसको सबसे पहले हटाते, उसके बाद मैं कोड की बात करता हूं, जिस कोड के थ्रू आप रीड मोर बटन को हटा सकते हो, ठीक है। सो अगेन चलते हैं, हाँ, रीड मोर बटन को आप जिस कोड के थ्रू हटा सकते हो, इसको भी हटाएंगे और साथ में इसको भी हटाने वाला है। सबसे पहले हम इस इमेजेस को हटाएंगे, तो उसके लिए अगेन हम लोग एक बार चलते हैं कस्टमाइजेशन एरिया में, और यहां से हम अगेन चलते हैं कस्टमाइजेशन एरिया में, ओके। सो कस्टमाइजेशन एरिया में हम अगेन क्लिक किए, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसको हटाना है। अगेन आपको जाना पड़ेगा उसी सेक्शन के अंदर जो कि आपका था, एक मिनट, जो लेआउट, ठीक है। आप इसको लोड होने दीजिए कंप्लीट, ओके। सो इस लेआउट के अंदर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद अगेन चलना है आपको ब्लॉग के अंदर, ब्लॉग के अंदर जाना है, और यहाँ पे जो कंटेंट दिख रही है ना, तो ये देखो पोस्ट के अंदर आपको जाना है, और ये जो डिस्प्ले फीचर इमेज जो है आपको दिखाई दे रही है इसको आपको हटा देना है, और डिस्प्ले पैडिंग अराउंड इमेज ये आप रहने भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आपको जो डिस्प्ले ये जो चीज़ें दिख रही थी इसको हटा देना है। आप रीड मोर बटन के अंदर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ आपको नहीं दिखाई देगा। देखो टॉप में जो इमेजेस शो हो रहा था वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब इस इमेजेस की साइज कितना रखोगे ये आप जो अपने हिसाब से जो छोटा बड़ा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स था मैंने आपको बता चुका हूँ, ताकि आपका लोडिंग जो है फास्ट फॉरवर्ड हो जाए, और उसके बिहाफ पे आपका एसईओ भी अच्छा रहेगा, आपका वेबसाइट की रैंकिंग भी अच्छा रहेगा। तो आप चलते अगेन बैक, और वहाँ पे चलते थीम एडिटर के अंदर, अगेन हम चलते एक बार और बैक, और बैक चलने के बाद हम चलते थीम एडिटर के अंदर, हाँ थीम एडिटर के अंदर ही हूँ, और आपको अगेन थीम फंक्शन यानी function.php एरिया में आना है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको टाइप करना है remove more tag from GENERATEPRESS GenertPress, ओके। सो इतना टाइप करने के बाद देखो GenertPress की फोरम के ऊपर ये चीज़ जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सो उन लोगों ने ऑफिशियली जो कोड दिया है कि अगर आपको ये हटाना है तो आप इससे ले सकते हो। देखो ये भाई ने यहाँ पे इन्होंने सवाल किया था प्रिंस ने, और उस हिसाब से जो है कस्टमर सपोर्ट से लियो नाम का किसी ने जो है आपको सपोर्ट किया था कि भाई आपको ये जो कोड आप दिख रही हो, एक मिनट, यहाँ पे आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपको कोड मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो कोड, सिर्फ इतना सा कोड को आपको कॉपी करना है, या फिर आप इस कोड को मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर डिस्प्ले में आप देख रही हो लिख भी सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से कोड आप कोड एडिटर से मतलब यहीं से उठाओ तब भी अच्छा है। तो हम करेंगे क्या, इस पूरा का पूरा यूआरएल को लिंक हम दे देंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके सीधा आप इस कोड को उठा सकते हो, कॉपी कीजिए, और अगेन चलते हैं एडिटर के अंदर, और यहाँ पर हम लोगों ने जो लास्ट हमारे ओएपी इमेजेस को ऐड करने के लिए जगह बनाए थे, और उसके नीचे अगेन एक लाइन क्रिएट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल एंड वी दबा के इस कोड को पेस्ट करते हैं, और उसके बाद अगेन जो अपडेट फाइल करते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि आपको जो रीड मोर का प्रॉब्लम दिख रहा था वो आपको नहीं दिखेगा, ओके। तो हम चलते हैं यहाँ से, और यहाँ पे विजिट साइट करते हैं, और उसके बाद देखो अगेन चलते हैं यहाँ पे रीड मोर बटन के अंदर क्लिक किया, अब देखो रीड मोर का जो टैग था वो हट गया, ठीक है। अब आपका कोई इशू नहीं है, आई होप कि ये चीज़ आपको मिल गया। अभी आप जिन लोग नया एकदम बिल्कुल यहाँ पे वेबसाइट को सेटअप करेंगे इस GenertPress प्रीमियम के थ्रू, उन लोग कैसे कर सकते हो वो भी देख लीजिए।
अब फाइनली बात करता हूँ नया लोगों के लिए, जो लोग नया बिल्कुल जो एक वेबसाइट को बना रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं। अभी तक तो एग्जिस्टिंग वेबसाइट के ऊपर बता चुका हूँ कि एग्जिस्टिंग वेबसाइट के ऊपर आप कैसे चेंजेस करके आप इस प्रकार से बढ़िया से लुक जनरेट कर सकते हो, और एसईओ फ्रेंडली लुक, यानी एसईओ फ्रेंडली भी होगा और साथ में आपका लुक भी अच्छा होगा ताकि लोग जो है क्लिक करके आगे जाएगा, राइट। सो आप वो लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल नया वेबसाइट को बिल्ड करेंगे ये जेनरेटप्रेस प्रीमियम के थ्रू, और हाँ मेरे इस सीरीज के साथ जुड़े रह सकते हो, मतलब कि जेनरेटप्रेस सीरीज के साथ, क्योंकि यहाँ पे मैं जो रेगुलरली आपको ऐसे अपडेट देता रहूँगा, राइट। सो आप देखिए जैसे नया साइट होता है ना तो उसका इंटरफेस कुछ इस टाइप से होता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपीयरेंस के अंदर आना है और थीम के अंदर आना है, राइट। सो जैसे आपने थीम के अंदर आएंगे तो कुछ आपको लिमिटेड गिनी चुनी जो है बहुत ही ओल्डेडेड जो है आपको थीम यहाँ पे दिख जाएगा, बट ये थीम हमारा कोई काम का नहीं है। तो हमको जो यहाँ पे ऐड न्यू सेक्शन के ऊपर जाना है और इस बॉक्स में मेरे को टाइप करना है जेनरेटप्रेस, GENERATE लिख देंगे ना तो यहाँ पे जेनरेटप्रेस आ जाएगा, ओके। सो जेनरेटप्रेस जैसे आप लिखेंगे तो देखो जेनरेटप्रेस आ चुका है, इसको हम लोग जो इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इसको एक्टिवेट कर देना है, यानी एक्टिव कर देना है। सो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आना है प्लगइन एरिया में, और अगेन मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये प्लगइन जो है मेरे टेलीग्राम चैनल, मतलब टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसकी पिन एरिया को जाके चेक करो, वहाँ पे ये पिन किया हुआ है, राइट। सो टेलीग्राम चैनल, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे ऐड न्यू सेक्शन के अंदर आपको क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप ऑफ ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे अपलोड प्लगइन का जो एरिया दिख रही है इसके अंदर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद चूज फाइल के सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको उसी फाइल को चूज करना है जो अभी अभी आप, मतलब जो आपने आपके सिस्टम के अंदर डाल के रखे हो, जहाँ पे भी आप डाल के रखे हो। तो मैं मेरे केस में यहाँ पे डाल के रखा हूँ, ये देखो जेनरेटप्रेस प्रीमियम वर्जन 2.0.3 अभी के ये फिलहाल सबसे लेटेस्ट वर्जन है, और इसको ओपन कर देना है। ना ही आपको एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी जैसे आप डाउनलोड करोगे एज इट इज उसको यहाँ पे, मतलब चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल नाउ बटन के अंदर क्लिक कर देंगे। सो आपका यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही जो अनपैकिंग होता है और इसके अंदर ये काम ऑटोमेटिकली कर देगा, आपके कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली जो है आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको एक्टिव प्लगइन कर देना, आप जैसे एक्टिव प्लगइन कर देंगे अब उसके बाद देखो यहाँ पे आपका जो है एक कॉन्फिगर का सेक्शन दिखता है, मतलब प्लगइन एरिया में आपको जीबी प्रीमियम दिख जाएगा और उसके साथ साथ जो कॉन्फिगर का बटन दिखता है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। सो उसके बाद आपको करना क्या, यहाँ पे देखो जीबी प्रीमियम की जो लेटेस्ट वर्जन आ रही है वही आपको दिखा रही है, और जो चाइल्ड थीम हम लोगों ने इंस्टॉल करी थी शुरुआत में उसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। सो आपको ये बॉक्स में टिक लगाना है और उसके बाद यहाँ पे बल्क एक्शन एरिया में आना है और इसको एक्टिवेट कर देना, और उसके बाद अप्लाई बटन के अंदर आपको क्लिक कर देना है, ओके। सो जैसे आप लोगों ने अप्लाई बटन के अंदर क्लिक करेंगे तो इसका और भी जितने सारे फंक्शनलिटीज़ है वो काम करना शुरू कर देगा, यानी प्रीमियम की जितने सारे फंक्शनलिटीज़ है वो काम करना शुरू कर देगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से सीधा जो ये साइट लाइब्रेरी देख रहे हो ना इसके अंदर आपको क्लिक करना है। दो तरीके से कर सकते हो आप, पहले जो है ये जैसे है अभी उसके अंदर आप कंटेंट अपलोड कर दो और उसके बाद यहाँ पे साइट लाइब्रेरी के अंदर आओ तब भी होगा, या फिर आप सीधा यहाँ पे साइट लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो मार्केटर्स, ठीक है, ये मार्केटर्स का ही, मतलब मार्केटर की ही मैं जो बात कर रहा था आपको, ये मार्केटर के अंदर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको करना क्या, ये गेट स्टार्टेड बटन दिख रहे ना तो इसके अंदर आपको क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे घूमने के बाद आपको करना क्या, यहाँ पे देखो इम्पोर्ट थीम ऑप्शन, इम्पोर्ट डेमो कंटेंट, तो आपको ये इम्पोर्ट डेमो कंटेंट को नहीं लाना है, आप सिर्फ थीम ऑप्शन को लाइए और आपका चीज़ें जो है आराम आराम से हो जाएगा। अगर आप डेमो कंटेंट के लाएंगे तो ये कंटेंट वगैरह भी जो आपकी ओरिजिनल साइट के अंदर जाके लैंड करेगा, तो आपको ये चीज़ों को हाइड कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे आई अंडरस्टैंड बटन के अंदर क्लिक कर देना, और इसके बाद बीइंग इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब ये इंपोर्ट हो जाने दीजिए, जितना टाइम लगा था ये थोड़ा सा घूम के जो है आपका थीम जो है इंपोर्ट करके देगा, और इसके रिलेटेड जो जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएगा। आप विजिट साइट करके आप देख सकते हो कि आपका साइट का लुक अभी किस प्रकार से दिख रही है, ओके। सो अभी देखिए इंपोर्टर, सॉरी मार्केटर जो है हमारे इसके अंदर इंपोर्ट हो चुका है, ओके। अब फाइनली बैक चलते हैं इसके अंदर, अभी आपको करना क्या है कुछ, मैं यहाँ पे फटाफट से जो पोस्ट को अपलोड करता हूँ और उसके बाद आगे की सीन आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं ऑल पोस्ट के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे शायद आपको कुछ ही पोस्ट नहीं दिखेगा, हेलो वर्ल्ड का ही पोस्ट आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अभी कुछ भी चीजें नहीं कराया, ठीक है। सो फटाफट से मैं कुछ पोस्ट को यहां पे ऐड कर देता हूं, ओके। सो यहां पे मैं ऐड पोस्ट के सेक्शन के अंदर जाऊंगा और यहां पे मेरा कुछ डेमो कंटेंट मैं दो या तीन लेके मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट से, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएगा। और हमेशा मैं कहता हूं कि ये ब्लॉक एडिटर को ही आप लोग यूज कीजिए, ये चीजें आपके लिए सबसे फायदे का सौदा हो सकती है। तो यहां पे मैं ओपन करता हूं मेरा डेमो कंटेंट को, और ये आईपीएल का सीजन का डेमो कंटेंट तब से पड़ा हुआ था मेरे पास, और इसका यहां से टाइटल कॉपी करेंगे और उसके बाद अगेन चलेंगे यहां पे टाइटल एरिया में, इसका टाइटल डालते हैं, और सॉरी यार यहाँ पे इसको टाइटल डालते हैं, पेस्ट करते हैं टाइटल, और उसके बाद जो हम यहाँ पे पैराग्राफ को ऐड करेंगे, ओके। वन बाय वन जो मैं फटाफट से कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझने में हेल्प हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है।
तो मैंने कंट्रोल ए दबाया और कंट्रोल सी दबाया, और उसके बाद अगेन जो है हम ब्राउज़र पे आए और यहाँ पे जो है कंट्रोल वी दबाया। ओके, सो सारे के सारे कंटेंट मेरा यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद आप इसका मतलब जो है बाय डिफ़ॉल्ट, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, कुछ चेंजेस करनी है वो भी मैं बता दूंगा, वीडियो के साथ कंप्लीट चिपक के बने रहना। ओके, सो यहाँ पे आपको करना क्या है, अभी आपको करना क्या है, इसके अंदर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे इमेजेस वगैरह लगाओ, तो मैं फटाफट से कुछ इमेजेस को भी लगा देता हूँ। और जैसे कि मैंने उस मतलब पहले भाग पे बताया था कि अगर आपने वेबपी इमेजेस को ऐड यूज़ करना चाहते हो तो उसका जो कोड है कहाँ से आपको लेना है, और इसी प्रकार से जो कोड को आपको यहाँ पे ला के यहाँ पे पेस्ट करना है थीम एडिटर की PHP मतलब PHP एरिया में, function.php एरिया में, राइट। सो यहाँ पे हम जो ये प्लस वाले आइकन के अंदर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो इमेजेस का सेक्शन है, तो यहाँ पे हम चलते हैं और अपलोड सेक्शन के अंदर चलते हैं। और मेरा कुछ इमेजेस जो है मैंने यहाँ पे डाल के रखा था, इमेजेस फ्रॉम कीप से मैंने जो है इसी का ही इमेजेस को लेके बैठा था। चलिए जो भी इमेजेस है मैं सबको सिलेक्ट करके वन बाय वन जो है, एक मिनट मैं एक काम कर लेता हूँ, सारे के सारे इमेजेस को मैं एक बल्क में लेके आऊँगा, लेकिन ये जो था मैं किसी एक को अभी यहाँ पे लेके जो ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इमेज किस टाइप ऑफ यहाँ पे शो होगा। ओके, सो इमेज मेरा ऐड हो चुका है। अब आपको करना है कि यहाँ पे देखो चेंज अलाइनमेंट सेंटर यहाँ पे आना है, और चेंज अलाइनमेंट हमेशा सेंटर रहने देना है, और आप अपने हिसाब से इमेजेस की साइज़ को घटा या बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं हमेशा इमेजेस की साइज़ को इस प्रकार से छोटा रखता हूँ ताकि इमेजेस भी आ जाएगा और साथ में लोडिंग स्पीड भी ज़्यादा नहीं होगा। और इसी इमेजेस को आप फीचर इमेज बना सकते हो, यहाँ पे सेट फीचर इमेज एरिया में जाओ और यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी पे चले जाओ, और अभी अभी जो हम इमेजेस जो यहाँ पे लाए हैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, और जो हम लोगों ने जो इंपोर्ट किए थे थीम उसी का कुछ यहाँ पे जो इमेजेस दिखा रही है, चाहे तो आप इसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद जो मैं सेट फीचर इमेज करता हूँ, लेकिन उससे पहले इमेज इसको कैसे करना है उसके ऊपर मेरा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, आपको कहां पे किस प्रकार से एल्ड टेक्स्ट लगाना है, आपके टाइटल किस प्रकार से आना चाहिए, उसको मैं दोबारा जो है तीसरा या फिर चौथी बार मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, तो उस वीडियो को जाकर जरूर से देख लेना, आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मैं सेट फीचर इमेज करता हूं, और उसके बाद देखो यहां पे मेरा जो इमेजेस है वो एज ए थंबनेल के फॉर्मेट में दिखाई दे रही है, बट ये थंबनेल का जो फॉर्मेट है ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मेरे को नहीं लगा, तो मैं इसको अभी के लिए फिलहाल पब्लिश करता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि इसका थंबनेल का जो फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। मैंने इसको भी बहुत सारे वीडियोस में बताया हूँ, अगेन मैं बता रहा हूँ, तो थंबनेल का इमेजेस है उसका सेटिंग आपको कर लेना है यहाँ से, और यहाँ पे देखो सेटिंग के एरिया में आपको कर्सर रखना है, और यहाँ पे देखो जो मीडिया आ रही है इस मीडिया के ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो जो थंबनेल साइज जो है 150x150 यहाँ पे बता रही है, सो आपको इसको करना क्या है, यहाँ पे पूरा सबको जीरो कर देना है, जो भी साइज यहाँ पे जो भी डायमेंशन आपको बता रही है इन सारे के सारे डायमेंशन को आप जीरो कर दीजिए, एकदम सारे के सारे हटा दीजिए, जो भी है कुछ भी नहीं होना चाहिए एकदम। ओके, सो उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा का पूरा इसको इस प्रकार से हटा देना है, और उसके बाद आपको करना क्या है, इसको जो है सेव चेंजेस बटन के अंदर क्लिक कर देना है। ओके, अब जैसे क्लिक कर देंगे तो अब जो है आपको करना है कि यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर आना है, यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अंदर आना है, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा फटाफट से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बैठ के आराम से देख लीजिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आ जाना है, और अभी आपका साइट किस टाइप ऑफ दिख रही है, और यहाँ पे वो चीज़ें आ जाना चाहिए था, एक मिनट मैं शायद उसको पब्लिश नहीं करी थी, एक मिनट मैं ब्लॉग को शायद पब्लिश करना भूल गया था। ओके, तो मैंने एक बार ऑल पोस्ट के अंदर अगेन चलता हूँ, और यहाँ पे देखो ये ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, तो मैं इसको क्या करूँगा, अभी क्विक एडिट सेक्शन के अंदर जाऊँगा और इसको मैं क्या करूँगा ड्राफ्ट से चेंज करके पब्लिश कर दूँगा, और उसके बाद मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये चीज़ें जो है दिखने में आसान हो जाएगा, आपको भी समझने आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मैं और भी एक दो पोस्ट को ऐड करके आगे जो मैं आपको इसका जो कस्टमाइजेशन है अच्छा कस्टमाइजेशन है वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। कस्टमाइजेशन मैंने पहले दफा मतलब इस वीडियो के पहले भाग पे बता चुका हूँ, उसी कस्टमाइजेशन आपको कर लेना है, राइट। सो अब देखो यहाँ पे आना है कस्टमाइजेशन एरिया में, और जैसे जैसे मैंने बताया हूँ वैसे वैसे आप कस्टमाइजेशन कर लीजिए तो आपका थीम या फिर आपका वेबसाइट कितना बढ़िया फास्ट हो जाएगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। आप ऐसा करके देखिए, आप उसके बाद देखिए मेरे बात को मान के देखिए, आपका वेबसाइट कितना फास्ट फॉरवर्ड काम करेगा वो आप खुद ही अंदाजा नहीं लगा सकते हो। सो आई होप कि वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय की हो, और इस प्रकार से सेटिंग को आप लोग डेफिनेटली कर लेंगे, कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ जाएगा आपके SEO में। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे ऐसे कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाओ। यार मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत ही खुश रहो, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहो। बाय।